नमस्कार दोस्तों, हरी मैकेनिकल में आपका स्वागत है। जिसके पास ऐसा पंप है प्रेजेंट में, तो वो अगर आप स्टैंडर्ड पंप बनाना चाहते हैं तो हम आपको यहां से जुगाड़ बनाने के लिए बता रहे हैं। थोड़ा सा मेरा जो है ना प्रॉब्लम है कि उतना हम पढ़े लिखे नहीं है, यही प्रॉब्लम है, मैं सही से बोल नहीं पाता हूँ, तो उसका बुरा मत मानिएगा। देखिए, ये आपका जो है इसको तोड़ना उड़ना उखाड़ना वगैरह कुछ नहीं है, ना छेड़ना है। सबसे पहली बात ये, मैं ये हाफ इंची का है जो कि एसटीपी पंप में लग जाता है, ऐसा एक ले लीजिए, एक ऐसा ले लीजिए जो कि ये इसमें लग जाएगा, ये इसमें आराम से लग जाता है। एक हाथ में जो है मोबाइल है इसलिए ऐसा लग जाएगा। इसको यहाँ पे डील करना है, इसको यहाँ से ये आराम से खुल जाएगा। देखिए नट है, इसको खोल लीजिए, यहाँ पे डील करवा दीजिए, इसको वेल्डिंग करवा दीजिए, गैस वेल्डिंग कराइए मजबूत सा ताकि उखड़े नहीं। सेकंड क्या करना है आपको, यहाँ से एक फ्रेम बनवाना है। वेल्डिंग आजकल पोर्टेबल वेल्डिंग वाले भी बहुत आते हैं, यहाँ से एक बना लीजिए एसटीपी पंप का, 65 लीटर पानी जो फ्लो करता हो, 55-65 आप प्रेशर देख करके। 3 HP का 3 फेज का मोटर है, आपको इसको भी कुछ नहीं छेड़ना है। इसमें देखिए इधर से बेल्ट लगा हुआ है, वो तो जिनके पास होगा वो तो मालूम ही होगा, बेल्ट लगा हुआ है। अब इसका बेल्ट इधर चढ़ा देना है। एसटीपी पंप में तो टोटी रहता है, जब मर्जी होगा तो बेल्ट चढ़ा दीजिए और जब उधर से। और इसमें जो है प्रॉब्लम आता है, ये बोलता है कि लोग नॉन मेंटेनेंस है, ये पूरा मेंटेनेंस ही मेंटेनेंस है। यहाँ का एक वाइसिल रहता है, वो वाइसिल कट जाने के बाद जो है वाल रहता है, वाल कट जाने के बाद यहाँ से ये पानी छूता है, ये यहाँ से इसका पानी चूना शुरू हो जाता है। तो वाल कैसा रहता है मैं दिखा देता हूँ, मैं यहाँ रखा हूँ, और ये ज़्यादा दिन का मेहमान भी नहीं रहता है। ये जो इतना दिखाता है YouTube में कि नॉन मेंटेनेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कितना हो गया है जमा, बहुत सारा था मैं फेंक दिया हूँ। देखिए इसमें भी है, ये सब बेकार हो गया है, इसमें भी है, ऐसा ही वाल रहता है, यही वाल आपको बदलना है। देखिए न्यू में ऐसा आता है, तो यही वाल जो है वहाँ पे खोल के लगाना पड़ेगा। कहाँ पे खोल के लगाना पड़ेगा, जिसका पानी अगर चूता हो तो। यहाँ जब पानी चूने लगे तो इसको यहाँ से खोल लीजिए, और यहीं पे वाल लगता है ओसाई जो मैं दिखाया, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्टैंड कर देता हूँ ताकि आपको इस स्क्रीनशॉट मारने में सुविधा हो। एक मिनट होल्ड कीजिए, ऐसा भी लगेगा और ऐसा। देखिए होल्ड कर दिए, स्क्रीनशॉट मारने में सही रहेगा। इसको भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ ताकि दुकान वाले को दिखा करके वाल ढूंढ सकते हैं। देखिए दोनों साथ में आएगा है ना, करीब से भी कर देता हूँ ताकि लाइट थोड़ा सा इसका बंद करके मैं करता हूँ। हाँ, अब सॉलिड आया, बस स्क्रीनशॉट मार लीजिए और दिखा करके आप वाल बदल सकते हैं। वाल बदल दीजिएगा, पानी वहाँ से बंद हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आता है इसका, इससे अगर नहीं गया, अब लाइट जलाते हैं थोड़ा,
तो यहाँ पे भी रस्सी लगता है, यहाँ होल है, इसको भी यहाँ से खोल लीजिएगा, लेकिन ये खोलना सबकी बस की बात नहीं है, जंग पंक लग जाता है। ये भी मशीन सक्सेस नहीं है, इतना इतना रुपया लगा करके, इसको लगाने में कम से कम जो है आपको रैंक वगैरह लगा करके 5 लाख रुपया खर्च होता है। है देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा ही बोल्ट लेना है ताकि उधर भी वेल्डिंग हो जाए और इधर भी। ये हाफ इंची का एक साइड है, एक ये साइड क्वार्टर इंची है, इधर हाफ इंची है, ये क्वार्टर है, ये हाफ है, और ये भी हाफ इंची है, हाफ इंची ही एसटीपी में लगता है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, क्योंकि अब जो है फार्मूला टचलेस का मैं बताने वाला हूँ, क्यों बताने वाला हूँ उसका भी रीज़न आ गया है, चाहे सब्सक्राइबर हो चाहे नहीं हो मैं बताऊंगा अब उसका। मैं वीडियो कल अपलोड करूंगा विस्तार से, वो वीडियो बहुत लंबा होगा, उसमें मेरी जीवन की कहानी भी होगी, वो वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। अगर समय मिला तो कल ही वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि देखिए अभी से मैं दुकान खोल दिया हूँ इधर, अभी कोई आ जाएगा तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, उसको सर्विस देना शुरू कर दूँगा, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। और ये जो है गोवा का हाईवे रोड है, यहाँ कब कस्टमर आ जाएगा, कभी कभी रात को 8-8 बजे तक रहता है कस्टमर, कभी 3 बजे भोर में भी आ जाता है, इसलिए जब मुझे मौका मिलता है तो भाई 2-4 मिनट आप लोगों से मुलाकात हो जाती है। देखिए, और ये जो है लिफ्ट के लिए, अभी तो इतना काम हो चुका है, अभी इसका जो है लिफ्ट वाला ट्यूब लगा है, अभी 8-10 दिन ये जमेगा, फिर जो है गाड़ी खड़ा करने का उसमें स्टैंड लगेगा, और चक्का वाला स्टैंड लगेगा जो चक्का समेत लेके खड़ा होगा, यही इसमें ट्यूब आया था। ये उसका सिलेंडर है, ये जो है सिर्फ फॉर्म करता है प्रेशर से, ये वो है, ये सब उधर लगेगा, उधर स्टैंडर में लगेगा, और उधर 24 आवर वो चालू रहेगा, इसलिए मैं उसको बनाया हूँ। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी, इसके बाद वीडियो आएगी कि नहीं आएगी ये हमें भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं फार्मूला बताने के लिए तड़प रहा हूँ, और फार्मूला नहीं मैं बताऊँगा तो मुझे भी अफसोस होगा, इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और कोई भी रिलेटिव जानकारी हो तो 7 से 10 बजे रात में हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, 1 या 2 दिन में अपलोड हो जाएगा वीडियो। नमस्कार।